मामूली रंजिश को लेकर दुल्हन के पड़ोसी ने दूल्हे के परिवार पर किया वार। दूल्हे के परिवार ने किया सिविलाइज थाने का घेराव। हमलावरों पर कार्रवाई की कर रहे मांग। कल देर रात एक मामूली रंजिश को लेकर दुल्हन के पड़ोसी ने दूल्हे के ऊपर दुल्हन के परिवार पर वार कर दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए दूल्हे ने बताया कि दोनों परिवारों के बच्चों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसमें बड़े भी कूद पड़े और इस रंजिश को लेकर जब आजाद पार्क के सम्मेलन से फ्री होकर दूल्हा नरेश लड़की के घर पहुंचा तो पड़ोसियों ने उसके परिवार पर हमला बोल दिया और गाड़ी को तहस नहस कर दिया। इस हमले में दूल्हे के परिवार के कई लोगों को चोट आई है। इस मामले के बाद परिवार ने सिविलाइज थाने का घेराव किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। सामूहिक सम्मेलन में मैं यहाँ बारात लेकर आया हूँ, ठीक है। सिविल थाना जयपुर रोड पे यहाँ पे हमने कल रिपोर्ट लिखी थी सर। आसपास के लोग हैं, इन पुलिस वालों को हमने नाम भी बता दिया, घर भी बता दिया सर, ठीक है सर। उसके बाद में भी आज भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इनकी एक्शन से आज लापरवाही ये हुई है सर। मैं सामूहिक आजाद पार्क सम्मेलन से फ्री होके सर लड़की वाले के घर जैसे पहुँचा, आसपास के जो घर के हैं उन्होंने आतंकवादी हमला कर दिया हमारे पे, और जो मेरे दूल्हे की गाड़ी है वो पूरी तोड़ दी। फिर भी ये पुलिस वाला कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और जब तक मेरा गाड़ी का नुकसान, जब तक मेरा हर्जाना जब तक नहीं भरेंगे मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और अभी भी मुझे कह रहे हैं इस थाने के अंदर का तेरे को यहाँ विश्वास है नहीं है, कैसे कर लूँ सर विश्वास। कल की रिपोर्ट लिख रही है, आज पेश कर रहे हैं, कल की रात की 3 बज गए। इसके लग रही है मेरी सिस्टर है सर, इसके हाथ के लग रही है ये इन बच्चे की लग रही है सर। इस बात पर हुई सर कुछ नहीं सर, छोटे मोटे बच्चे ऐसा छोटे मोटे बच्चे को हिसाब से लड़ी होगी, इन्होंने बड़े बड़े ना होगी। साल चल रही थी, साल भर पहले सर इन्होंने एक तड़ी मारी थी कि तेरी बहन की शादी में देखना तू हम क्या करेंगे, और आज वही हो रहा सर। और हमारे यहाँ अजमेर थाने के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, अभी भी सीए साहब बैठा है, सब आ रहे हैं। 2 बार गाड़ी जा चुकी है उस बस्ती के अंदर, ना उनकी माँ बेटे को ला रहे हैं तो सर वो हाथों हाथ आवा, ना उनका कोई फोन नंबर ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, और बस रिपोर्ट लिख दो आप, और घूम घूम कर आ रहे हैं, इस गली में जाता है उस गली में आ जाते हैं। ये लोहागढ़ भोपा का बड़ा हरिजन बस्ती के अंदर बारात ब्याह सही है अजमेर। मेरा खुद का नाम है नरेश कुमार बारेसा, मैं खुद लाया हूँ, दूल्हा खुद हूँ। ब्यावर में मैं रहता हूँ, स्टेशन मिल गेट पे। मामूली से रंजिश हुई थी, उसके बाद ही मामूली से रंजिश हुई, फिर भी इन्होंने पुलिस वालों को मामूली से रंजिश हुई थी शुरुआत में सर, फिर उन्होंने पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इनकी मारपीट हुई, माता पाता सब पड़ा, रात में मायरा वालों को सबको मारा, इन लड़के वालों को नाना मामा को सबको मारा, और आज बाराती आया तो आज बाराती को मारा। फिर भी इस थाने के अंदर कोई सुनवाई, और फिर भी सीए साहब कह रहे हैं कि तेरे को विश्वास है नहीं है, रिपोर्ट लिख दे तू। मैं कैसे मान लूं, जब तक सर मेरे को हर्जाना नहीं मिल जाता डिजायर गाड़ी का, मेरी गाड़ी का दूल्हे गाड़ी का, जब तक मैं यहाँ से किसको लेंगे नहीं। और इनके माँ बेटे के लाओ, फिर भी ये रिपोर्ट में सिर्फ रिपोर्ट ले रहे हो, और हो गई लड़की लेके जाओगे, शादी होगी मेरी, सर नहीं जाएंगे, जब नहीं जाऊंगा सर, मैं बिल्कुल भी अपराधियों को नहीं पकड़ूंगा सर, यहाँ से जाएंगे रात भर यही रहेंगे, एक दिन हो जाओ या 2 दिन हो जाओ, और जो मारपीट करने वाले हैं यही रहेंगे। एक आस पास का घर है, एक खाना है, एक बंटी है, और एक जवल है, राजेश तेजी है, और मंगल है, ये सब तेजी है, करीब सारे उठे गए, और कोई तड़ी पानी है, फिर भी आवारा घूम रहा गले बंदर सर, और पुलिस वाला फिर भी है, पुलिस वाला फिर भी